नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में मैं हूं नीरज कुमार कैथल आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर से है इस वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट वन है ऑल नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम्स 2020 की प्रिपरेशन की वीडियो सीरीज की ये क्लास नंबर नाइनटीन है सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन द वीडियो इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स पार्ट वन हमारे शरीर की सबसे बड़ी डब्लू बी सी या वाइट ब्लड कार्पसल है मोनोसाइट मोनोसाइट सेल का आकार चौदह से अट्ठारह म्यू एम होता है मोनोसाइट टाइप ऑफ डब्लू बी सी का न्यूक्लियस देखने में किडनी या घोड़े की नाल के आकार का दिखाई देता है हमारे ब्लड में कुल तीन प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं रेड ब्लड कार्पसल्स यानी आर वाइट ब्लड कार्पसल्स यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं वाइट ब्लड कार्पसल्स का नॉर्मल सेल काउंट होता है चार हज़ार से ग्यारह हजार सेल्स पर माइक्रोलीटर डब्लू के क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो इसे हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स एंड ए ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स ग्रेन्यूलर ल्यूकोसाइट्स तीन प्रकार की होती हैं न्यूट्रोफिल्स बेसोफिल्स इओसिनोफ़िल्स ए ग्रेन्यूलोसाइट ल्यूकोसाइट्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसाइटिक एनीमिया इस प्रकार का एनीमिया मुख्य रूप से फॉलिक एसिड और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी के कारण होता है विटामिन बी ट्वेल्व को हम साइनोकोबालामाइन के नाम से भी जानते हैं लिम्फेटिक टिश्यूज़ में मैलिग्नेंट ट्यूमर का होना हॉटकिंस डिजीज कहलाता है लिम्फेटिक टिश्यू के एग्ज़ाम्पल हैं लिम्फोसाइट एंड नोड्स नॉर्मल पीएच होता है ब्लड का 7.35 से 7.45 के बीच नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे बॉडी में होता है अप टू 200 हंड्रेड पर डीएल बिलीरुबिन का फॉर्मूला है सी थर्टी थ्री ओ एन एन यानी रेड ब्लड कार्पोसल्स जिसे हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं इसके नॉर्मल काउंट की बात करें तो मैन में एवरेज 55 लाख सेल्स पर एम जबकि वुमेन में 45 लाख सेल पर एम एवरेज मानी जाती है एंटी में स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं एंटीजन हमारे शरीर में आने वाले फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जिनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर द्वारा एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया जाता है हमारे शरीर में नॉर्मल नौर्म, सीरम बिलिरुबिन लेवल 0.5 से 1.5 पॉइंट फाइव पर डी माना जाता है विटामिन के को हम एंटी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं एंटी हेमरेजिक फैक्टर का मतलब होता है ऐसा फैक्टर जो कि हेमरेज यानी ब्लीडिंग को रोके विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक बहुत ही आवश्यक तत्व है विटामिन के की डेफिशिएंसी के कारण क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है विटामिन के चार प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर्स क्लॉटिंग फैक्टर नंबर टू सेवन नाइन और टेन के निर्माण में आवश्यक है इम्पॉर्टेंट सिक्कल सेल एनीमिया इज अ पॉइंट म्यूटेशन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन दिस एबनॉर्मल ग्लोबिन प्रोटीन चेन इज फॉर्म्ड सिकल सेल एनीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें ग्लोबीन प्रोटीन चेन का निर्माण एबनॉर्मल तरीके से हो जाता है पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है जेनेटिक कोड्स में किसी एक जगह पर गलत कोडिंग होना ग्लूटेमिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन एट सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ ग्लोबीन प्रोटीन इन हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स में जो ग्लोबिन प्रोटीन बीटा चेन होती है उसमें सिक्स पोजीशन पर ग्लुटेमिक एसिड को वैलिन द्वारा स्थापित कर दिया जाता है हटा दिया जाता है इसी के कारण सिक्कल सेल एनीमिया डिजीज होता है आइए इस चीज़ को और क्लियर करते हैं डायग्राम के माध्यम से नॉर्मली क्या होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन में सिक्स पोजीशन पर ग्लुटेमिक एसिड पाया जाता है लेकिन सिक्कल सेल एनीमिया की कंडीशन में या उन पेशेंट्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बीटा चेन होती है उसमें सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन पाया जाता है सिक्स पोजीशन पर एसिड की बजाय वेलिन आ जाता है तो इससे इसकी स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाती है और यही कारण है सिक्कल सेल एनीमिया का बोन मैरो मैरोपायरेशन इज डेफिनेटली डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ल्यूकीमिया ल्यूकीमिया का मतलब है ब्लड कैंसर ल्यूकोसाइट्स का मतलब होता है डब्ल्यू यदि किसी पर्सन में ल्यूकीमिया कंडीशन को डायग्नोस करना है तो उसका डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है बोन मैरो मैरोपायरेशन अब बात करते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यूज़ की सभी वैल्यूज़ ग्राम पर डी में हैं जन्म के समय न्यू बेबी में नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल होता है 25 ग्राम पर डी एल एक साल की उम्र में नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है 17 ग्राम पर डी एल अडल्ट मेल्स में 15, अडल्ट फीमेल में 14.5। आइए प्लेटलेट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट का नॉर्मल काउंट होता है डेढ़ लाख से साढ़े चार लाख सेल्स पर एम एम क्यू डेंगू डिजीज़ के अंदर अचानक प्लेटलेट काउंट हमारे शरीर में कम हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति को एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लग जाती है और उसकी डेथ तक हो सकती है तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं फर्स्ट थ्रोम्बोसाइटोपीनिया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होता है जैसे कि हमने बताया डेंगू डिजीज़ के अंदर सेकेंड कंडीशन है थ्रोम्बोसाइटोसिस थ्रोम्बोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगता है थर्ड कंडीशन आती है थ्रोम्बोसाइटोपैथी थ्रोम्बोसाइटोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट्स का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है इम्पेयर्ड हो जाता है डेफिशिएंट हो जाती है प्लेटलेट्स अपना फंक्शन अच्छे तरीके से नहीं कर पाती हैं थैलेसीमिया को हम कुलेज एनीमिया और मेडिटेरियन एनीमिया के नाम से भी जानते हैं इट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव एल्फ़ा एंड बीटा हीमोग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड हिमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो अल्फा और बीटा पॉलीपेप्टाइड चेंज पाई जाती हैं उनमें डिफेक्ट आ जाता है जिसके कारण थैलीसीमिया डिजीज़ होता है हेमोफीलिया इज अ इन्हेरिटेड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ब्लीडिंग डिसडर हेमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है यह इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ब्लीडिंग डिसडर भी कहा जाता है एल्ब्यूमीन इज स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट नंबरस प्रोटीन इन ब्लड हमारे ब्लड में जितने भी टाइप के प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनमें से सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है एल्ब्यूमीन एल्ब्यूमिन मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है नेक्स्ट टर्म है ल्यूकोसाइटोसिस ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है इंक्रीज डब्लू काउंट ल्यूकोसाइट का मतलब होता है डब्ल्यू और ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब है डब्लू काउंट का बढ़ जाना नॉर्मली कहें तो हम यदि किसी पर्सन में डब्लू काउंट ग्यारह सेल पर एम एम क्यूब से बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे और इसमें हम बता सकते हैं कि पेशेंट को किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया है यदि हम पेशेंट की सीबीसी रिपोर्ट को देखें तो उसमें हम पाएँ कि पेशेंट की जो डब्ल्यू काउंट है वो ग्यारह से ज़्यादा आ रहा है और उसमें जो न्यूट्रोफिल का लेवल है वो बढ़ गया है तो हम पेशेंट को बता सकते हैं कि पेशेंट को किसी तरह का एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फ्लॉमेशन हुई है सिंपली हम कहें न्यूट्रोफिल का लेवल यदि पेशेंट में बढ़ता है तो इसका मतलब है उसे एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हुई है क्रॉनिक इन्फेक्शन से ग्रसित मरीजों में मोनोसाइट काउंट बढ़ा हुआ मिलता है यदि किसी पर्सन में वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी लिम्फोसाइट काउंट इंक्रीज आएगी यदि किसी पर्सन को कोई एलर्जिक डिसऑर्डर है या फिर उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उन मरीजों में अक्सर ईओसिनोफिल का काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा स्विमिंग इज सेफ फॉर हीमोफीलिया पेशेंट हीमोफीलिया यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर से ग्रसित पर्सनस के लिए स्विमिंग एक बेस्ट ऑप्शन है स्विमिंग को हीमोफीलिया के मरीजों के लिए सेफ़ भी माना जाता है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स लाइक हॉकी फुटबॉल क्रिकेट एक्सेट्रा आर एडवाइज टू अवॉइड बाय हीमोफीलिया पेशेंट क्रिकेट हॉकी फुटबॉल आदि खेल हीमोफीलिया के मरीजों द्वारा अवॉइड करने चाहिए हॉटकिंस डिज़ीज़ में रीड स्टर्नबर्ग सेल्स पाई जाती हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल्स का पाया जाना हॉटकिंस डिजीज का क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक हॉलमार्क है तीन इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं एस्फाइक्सिया हाइपोक्सिया और एनोक्सिया और हाइपोक्सिमिया। आइए जानते हैं इनका मतलब एस्पाइक्सिया कंडीशन कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन यदि किसी व्यक्ति में ऑक्सीजन का प्रॉपर इनटेक नहीं हो रहा है तो इससे हम एस्फाइक्सिया कहेंगे नेक्स्ट है हाइपोक्सिया या एनोक्सिया इसका मतलब है बॉडी टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना थर्ड है हाइपोक्सिमिया यदि पर्सन के ब्लड स्ट्रीम में ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपोक्सिमिया कहेंगे याद रखिएगा हाइपोक्सिया कंडीशन में बॉडी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही थी लेकिन हाइपोक्सीमिया कंडीशन में ब्लड में या ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है हमारे ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशन के लिए टोटल 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आइए जानते हैं इन सभी के बारे में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर वन है फिब्रिनोजन, टू प्रोथ्रोम्बिन थ्री टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन फोर कैल्शियम फाइव labile factor. Blood clotting factor number six is absent. Factor number seven is stable factor. Eight antihemophilic factor A. Ninth Christmas factor or antihemophilic factor B. Tenth factor is steward power factor. Ninth eleventh factor is plasma thromboplastin antecedent. इसे हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी के नाम से भी जानते हैं और फैक्टर नंबर ट्वेल्व है हेजमैन फैक्टर लास्ट है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर थर्टीन फेब्रीन स्टेबलाइजिंग फैक्टर फेबरिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर फ्रेंड्स अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए थैंक यू नेक्स्ट वारफेरिन ड्रग को हम एंटीकॉग्युलेंट के नाम से जानते हैं एंटीकॉग्यूलेंट का मतलब होता है ऐसी मेडिसिन जो कि क्लॉट्स को बनने से रोकती हैं वारफेरिन ब्लॉक सिंथेसिस ऑफ विटामिन के वारफेरिन ड्रग विटामिन के के निर्माण को रोकती है एस्फ्रिन बाइंड इरिवर्सिबली टू प्लेटलेट एंड इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड कॉज इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम प्रेस एस्प्रिन ड्रग की एक खासियत होती है कि यह प्लेटलेट्स के साथ इरिवर्सिबली जुड़ जाती है यानी एक बार यह ड्रग प्लेटलेट से जुड़ गई तो वापस उससे वह अलग नहीं होगी और इससे क्या होगा प्लेटलेट्स आपस में जुड़ नहीं पाएंगी और क्लॉट या थक्का नहीं बना बना पाएंगी जिसके कारण लगातार ब्लीडिंग चलती रहेगी तो याद रखिएगा ऐसे पर्सनस जो कि वॉरफेरिन ले रहे हैं कोगुलेंट मेडिसिन ले रहे हैं उन्हें वॉरफेरिन के साथ कभी भी एस्प्रिन ना दें इससे ब्लीडिंग होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है एस्प्रिन ड्रग का इस्तेमाल मुख्य रूप से ब्लड में क्लॉट फॉर्मेशंस को रोकने के लिए किया जाता है लेकिन यदि किसी पेशेंट के अंदर आ, हीमोफीलिया या फिर वॉरफेरिन ड्रग चल रही है तो उन्हें एस्प्रिन नहीं दी जानी चाहिए एंटीजन कैचेस बाय लिम्फ नोट्स एंड डिस्ट्रॉयड बाई मैक्रोफेजेस बाय डायरेक्ट फैगोसाइटोसिस हमारे बॉडी में जो लिफ नोट्स होते हैं छोटी गांठें होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम की वह एंटीजन को ट्रैप कर लेती हैं पकड़ लेती हैं यह एंटीजन फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे बॉडी में आकर हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इन एंटीजेंस को लिम्फ नोट द्वारा कैच किया जाता है पकड़ा जाता है और वहाँ मौजूद मैक्रोफेजेस के द्वारा इन्हें नष्ट किया जाता है नष्ट करने की इस प्रक्रिया में फैगोसाइटोसिस का इस्तेमाल किया जाता है फैगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैक्रोफेजेस के द्वारा इन एंटीजेंस को एनगल्फ कर लिया जाता है ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है आर का जीवन काल या लाइफ स्पैन होता है फीटल में फीटस में 80 दिन का अडल्ट में 120 दिन का ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस या फिर ग्रैन्यूलोसाइटोपीनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्रैन्युलोसाइटिक डब्लू यानी बेसोफिल्स ईसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स इन तीनों की कमी हो जाए या बिल्कुल ही ये तीनों नहीं पा जाती हैं कंप्लीटली एबसेंट हो इस डिज़ीज़ कंडीशन को ए ग्रेन्यूलोसाइटोसिस या ग्रैन्यूलोसाइटोपीनिया के नाम से जाना जाता है विटामिन सी रिच फूड जैसे लेमन ऑरेंज आदि आयरन एब्जॉर्बशन को बढ़ाते हैं तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो ब्लड और ब्लड डिसऑर्डर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट करके आपके लिए रिप्रेजेंट किया गया इस वीडियो में वीडियो कैसा लगा आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए इसी तरह के वीडियोस रेगुलरली हम नर्सिंग एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बनाते रहते हैं इन सभी के नोटिफिकेशंस पाने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट